और यहाँ पे कटिंग करना स्टार्ट। डालेंगे हम इसमें सूखी मिर्च। तो गाइस खाना लग चुका है, देखिए ये सब्जी, ये हमारे चावल राइस और ये हमारे आलू की सब्जी, ये हमारे दही। तो फिर आपको सब्जी कैसा लग रहा है रियांशी, कैसा लग रहा है हाथ से बताओ थोड़ा सा कैसा लग रहा है? ये देखिए हाथ बनाया गया, ऐसा ऐसा लग रहा है, ऐसा ऐसा वाह ऐसा लग रहा है, वाह ऐसा लग रहा है। तो हाय गाइस कैसे हो आप लोग, आई होप बढ़िया होंगे। तो आज आप बात करते हैं सब्जी बनाने के रेसिपी, किस तरीके से सब्जी को बनाया जाता है ये देखिए। तो भाई लोगों बात आ गई है बनाने की। अब देखिए सब्जी को कैसे बनाया जाता है। तो देखो पहले तो पत्ते लाए और लाने के बाद इसको बढ़िया कर धोया, और धोने के बाद थोड़ा सा मैडम हाथ पर रखिए, पता नहीं चलेगा तुम्हारी गंदी हाथ आ जाएंगे इसमें। और यहाँ पे देखिए बड़े प्यार से धोया जा रहा है, और धोने के बाद इसको काटा जाएगा। ये ऐसे खा लोगे इसे? और इसमें ये दूसरे पत्ते कौन से, जरा हम ये भी देखना चाहते हैं। इसे मिलावट करने से थोड़ा खट्टापन आता है साग में। अच्छा, इसे इसमें बोलते थोड़ा खटास आता है, और क्या खटास बोले तो नींबू वाला काम करेगा क्या है? जी, और तो बस आप अपना मुंह बंद करो, बाकी हम देख लेंगे। क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा, रिकॉर्डिंग हो रहा है, मजाक कर रहा मैं। और थोड़ा सा यहाँ पे ये पत्ते दिखा दूँ, पता चला लोग सोचेंगे कि यार ये पत्ते वो ये कहते हैं कि फूल है। बस फूल फाल हम देख लेंगे, तौर पर लगाया जाता है, पर इसकी सब्जी भी बहुत बेहतरीन बनती है। अरे कितने सब्जी मिला दी, ये सारे फ्री वाले सब्जी है भाई लोगों, ये तीन प्रकार की सब्जी है ये देखिए। इसे हम मार्केट में लेने नहीं जा सकते, इसे यहीं। अच्छा, ये रोड में मिल जाते हैं, मतलब बगीचे में खेत में लगा रखे आपने। अच्छा, फिर जल्दी काटिए इसे, काफ़ी टाइम लंबा वीडियो ना हो जाए कहीं। इसे इतना भी मत धोगी, इसका प्रोटीन सारा। और यहाँ पे कटिंग करना स्टार्ट। और देखिए इसको एक बार काटा, उसके बाद दोबारा इसके काफ़ी बारीक टुकड़े हो जाएंगे ताकि पकने में बढ़िया रहे। और इसे काटा गया है बढ़िया करके, और अब ये कट रहा है। और कटने के बाद इसमें देखते हैं अभी इसको बनाने का तरीका, और बनने के बाद इस सब्जी का टेस्ट कैसा आने वाला है। देखिए बारीक करके काट लिया है इसे, और इसके बाद इसकी कटिंग हो गई बड़ी अच्छी करके। तो गाइस यहाँ पे तैयार हो चुका है चूल्हे में इसका, ये देखिए गैस में रख दिया है कढ़ाई, एक काली सी कढ़ाई, बड़ी खूबसूरत हमारी काली कढ़ाई, पूर्वजों का देवा गिफ्ट। और इसमें इस कढ़ाई की खासियत, इसमें जो कुछ भी बनता है इसका टेस्ट ही कुछ और है। तो वैसे कढ़ाई तो और भी है, लेकिन इस कढ़ाई में बनाने का कारण ये है, तो छोटी कढ़ाई है, जल्दी बनता है, और मतलब ज़्यादा बर्तन गर्म होने का वो झंझट ही नहीं है। और इसका जो टेस्ट है ना, ये मतलब कम से कम ये लगा लो इस कढ़ाई को कम से कम कुछ नहीं तो 15 से 20 साल हो गए इस कढ़ाई को। ये मेरी माँ के जवानी के टाइम का था, जब मेरी माँ 40 साल की थी, तो मेरी माँ खुद अभी 68 साल में एक्सपायर हुए। तो ये इतनी पुरानी कढ़ाई, कम से कम मैं तो खुद ही अंदाज़ा लगा सकता हूँ कम से कम कुछ नहीं तो इस कढ़ाई को हो गए हैं 20 से 25 साल कम से कम अनुमान के हिसाब से। और देखिए इस कढ़ाई का जो टेस्ट है, इसकी तो बात ही अलग है। अभी इसमें सब्जी वगैरह बने तो देखना। तो अब डलेगा इसमें तेल, थोड़ा सा इसमें पानी रह गया, अभी ये पानी को साफ कर थोड़ा सा पानी रह गया इसमें, पानी सूखने के बाद इसमें डाला जाएगा तेल। ये देखिए इसमें शुद्ध सरसों का तेल डाला गया है। इसमें इस सब्जी की खासियत है, इसमें अगर आप रिफाइंड तेल से बनाते हो तो उसका टेस्ट ही मतलब वैसा नहीं आएगा जैसा आप सोचोगे। इससे सरसों के तेल में बहुत अच्छे ढंग से बनाया जाता है। तेल हो रहा है गर्म, इसमें डाला जाएगा थोड़ा सा, क्या क्या डालेंगे इसमें, थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें सूखी मिर्च, और थोड़ा सा तेल गर्म हो जाए। ये देखिए इसमें तेल, इसमें सूखी लाल मिर्च डालना स्टार्ट हुआ है, और इसके बाद इसमें डलेगा ये देखिए अब हो गया है ये मिर्च लाल, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया, और धनिया सॉरी इसे कहते हैं हल्दी, और धनिया इसलिए मुंह में आ गया कि मेरे को लगा धनिया ना डले। और इसमें डाला थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार,
और जो ये सब्जी बनाने का जो तरीका है ना, इसका थोड़ा सा अलग ही है, क्योंकि हल्दी वैसे तो और सब्जी में डलता नहीं। और यहाँ लगा छोंका है, अब देखिए इसका स्वाद कैसा आएगा। और वैसे तो मैं आपको वीडियो में बता नहीं सकता स्वाद कैसा है, लेकिन खाने के बाद कभी आओ मेहमान में, मेहमानगिरी में, तो आपको बनाकर खिलाएंगे। यह चौलाई की सब्जी बनना स्टार्ट हो गई। वैसे लोग ज़्यादा इसको चौलाई की सब्जी बोलते हैं, वैसे माटे साग भी बोलते हैं। ये बनना हुआ स्टार्ट, और देखिए सब्जी ने अपना मतलब थोड़ा सा जो क्या कि सब्जी ने अपना पानी छोड़ना भी स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा मैं भी चला देता हूँ, और ये देखिए थोड़ा सा देख रहे हो पानी किस तरह छोड़ रहा है। थोड़ा सा सब्जी जब धोया था तो पानी भी रह गया होगा इसमें, और थोड़ा सा इसको चला देते हैं कहीं जल ना जाए बोलते हैं। जलेगा तो नहीं वैसे तो, और देखो भाई लोगों मैं कितनी अच्छी कुकिंग कर लेता हूँ। अरे हाथ तो लगाए कम से कम, चाहे ज़्यादा मेहनत नहीं करा तो क्या हुआ। तो ये देखिए सब्जी, पूरी सब्जी को ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सब्जी पकाने से क्या होता है उसका प्रोटीन वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और वैसे देखो सब्जी कितना बेहतरीन हो चुका है, और देखिए यहाँ सब्जी बनना स्टार्ट। और थोड़ा सा हम एक नमूने को दिखा देते हैं, हमारे घर की नमूनी है। इधर आओ रियांशी, इधर आओ, ये देखिए ये हमारे रियांशी, ये नाच के दिखाओ, ये कितना अच्छा नाचती, एक और बार नाच के दिखाओ। ये देखिए ये हमारे गांव की नंबर वन बंदरी है ना, पहले आप इधर आओ ना, इधर आओ, इधर आप बोलो हाय गाइज, बोलो हाय गाइज, पहले आप ना खांस दो आराम से, आप बोलो हाय गाइज, पहले बोलो हाय गाइज, बोलो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन दबा दो, बेल आइकन दबा दो। और मैं अगर इस वीडियो में अच्छा लाइक्स कमेंट्स और व्यूज़ आएंगे तो मैं दोबारा आऊँगी, बोलो वीडियो में। ऐसा मत करो ना, ढंग से पीछे हो जाओ ना, फिर आपको ना प्यार नहीं करेंगे ये लोग, ये ना बहुत अच्छे अंकल हो रहे हैं, आपको ना प्यार कर प्यार आप आपको देखेंगे ना तो आपको लाइक भी करेंगे कमेंट्स करेंगे। ये देखिए इस आपका नाम क्या, अपना नाम बताओ, आपका नाम व्हाट इज योर नेम, बोलो ना। माय नेम इज रियांशी रावत, बोलो ना। अच्छा रियांशी रावत है आपका नाम, अच्छा अरे हम तो सब्जी को भूल गए। ओके बाय करो आप फिर सबको, बोलो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आऊँगी, बोलो। 3 साल की हुई है हमारी बबुआ। और देखिए गाइस यहाँ पे सब्जी बनना स्टार्ट, और बहुत मज़ा आ रहा है। सब्जी का कलर देखो कितना बेहतरीन हो गया है, और साथ में देखिए हमारे आलू का, इसमें आलू क्या बोलते हैं उसे, आलू की सब्जी बन रही है चावल के साथ, और ये सब्जी डाला जाएगा ऊपर से। अभी देखेंगे गाइस कैसा, मतलब जब इसे परोसेंगे तो कैसा परोसते देखते हैं। तो गाइस ये देखिए सब्जी हो गया है, ज़्यादा इसको काला या करारी नहीं बनाएंगे, ये नॉर्मली रहेगा, थोड़ा सा तो ऐसे रहेगा। और सब्जी हो गई पूरे तरीके से तैयार, अब इसको उतारा जाएगा। ये देखिए गाइस अब गैस हो चुका है बंद, और ये देखिए गैस हो गया बंद और सब्जी हो गई है तैयार, और इसकी जो खुशबू आ रही ना है, मज़ा आ गया भाई। तो गाइस सब्जी हो गया तैयार, और इधर हो गया आलू के जो बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या थेच के बनाया जाता है ना, क्या बोलते हैं इसे आलू के, वो तो बोलना भी नहीं आता, आलू का साग बोलते हैं, आलू का साग नहीं आलू की सब्जी वो बोलते हैं इसे, तरी वाली। और देखिए गाइस, तो गाइस जिसको भी ये सब्जी खाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप आ सकते हो, और फ्री की सब्जी है मंगा भी सकते हो, आपको भेज भी देंगे, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, होम डिलीवरी के लिए तुम्हें पता है काफ़ी खर्चा जाएगा मेरा, फ्री की सब्जी तो है लेकिन मतलब समझ रहे हो ना, मतलब फ़ायदा क्या। तो गाइस हो चुका है तैयार, अब इसको परोसेंगे, और चैनल पे जो भी नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन दबा देना, ऐसे ऐसे वीडियो आपको देते रहेंगे, और फेस रिवील हम ज़रूर करवाएंगे गाइस, लेकिन अभी 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो ज़रूर करवाएंगे। और वैसे तो अभी चैनल मेरा 1000 अगर उसमें भी हो जाए ना, मेरा गेमिंग चैनल डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर के साथ नीचे मेरे जो सेकंड चैनल है गेमिंग चैनल, उसको भी सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन ज़रूर दबाना भाई लोगों, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो का मज़ा ले सके। देखिए सब्जी इधर भी तैयार हो गए, चावल तैयार हो गए हमारे, ये देखिए कुकर में, और उसके बाद
सब्जी सब तैयार, अब परोसने का प्रक्रिया स्टार्ट हो रहा है और देखते हैं अभी टेस्ट कैसा आएगा। वैसे टेस्ट तो बहुत बढ़िया और खुशबू इतनी प्यारी आती है इसकी। हम तो पहले तो सब्जी की बात करेंगे और जो मैं सेकंड चैनल की बात कर रहा गेमिंग चैनल है उसको बेल आइकन जरूर दबा देना, सब्सक्राइब कर देना और तो गाइस यहाँ से हम जाते हैं अब कमरे की तरफ। कमरे में इसको परोसा जाएगा और कमरे में खाया जाएगा बढ़िया करके। तो आ जाते हैं हम कमरे में। वैसे थोड़े से ये देखिए ये हमारा प्यारा कल्लू भतीजा। अरे इधर तो आओ, अच्छा एक बार डांस करके दिखा दो फिर देख लो या फिर प्रिंस। ये देखिए ये देखिए यहाँ छुप रहा है, इसका नाम है कल्लो। ये हमारी प्यारी रियांशी, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत गंदा है कल्लो। ये हाथ में दही लेकर आया है सब्जी के साथ खाने के लिए। तो गाइस अब चलते हैं हम सीधा कमरे की तरफ और कमरे में परोसा जाएगा और खा जाएगा बढ़िया करके। तो आपको बताते हैं खाने में आज जो सब्जी बनाया हमारा वो कैसा है। देखिए एक हमारा नमो नमो, ये हमारा मिकुल। ओए आप तो नंगे बैठे हो, सेम सेम नहीं आती आपको, ये क्या कर रहे हो आप? आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? अरे आप तो नंगे बैठे हो, आपको कैमरे में पूरा नहीं दिखा सकते। और ये हमारा है नमो, इसका भी चैनल है हमारे प्यारे प्यारे मुन्ने का। तो नमो नमो मिकुल मिकुल रावत ब्लॉग, नमो नमो हमारा प्यारा मुन्ना का भी चैनल है, सब्सक्राइब कर देना। और ये देखिए हमारे मिकुल नमो का बहुत प्यारा नाटक है पेपा पिक, बहुत फेवरेट नाटक है। और विश मांगो मम्मी मम्मी अपना गिफ्ट खोलो, गेस करो इसमें क्या है। ये देखिए आपका फेवरेट नाटक है, आप आपका फेवरेट नाटक पहले आप बताओ आपका फेवरेट नाटक है। ये देखिए क्या कर रहा है, बहुत गंदा, देखो ये क्या क्या खाता है गंदा लड़का कहीं का। वो क्या है ये, चलो नीचे रखो। और देखिए गाइस खाना आ चुका है, अब खाना लगेगा और खाना खाएंगे और बताते हैं खाने का टेस्ट। सब्जी देखिए ये चावल हमारे जो सुबह के रह गए होंगे और सब कुछ तैयार हो चुका है। तो गाइस अब खाएंगे हम खाना, टाइम बज रहे हैं दिन के 1:30 से 2 बज रहे हैं, 1:30 से 2 बजे हम खाना खाएंगे। और अच्छा आप ये भी खाओगे, ये क्या है थोड़ा इसका सही तो करो। ये देखिए वाह, अब ये सॉस खाते हो, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, आपको मज़ा आता है, इससे मज़ा आता है आपको, इससे मज़ा आता है, चलो ठीक है। तो गाइस खाना लग चुका है, देखिए ये सब्जी, ये हमारे चावल राइस और ये हमारे आलू की सब्जी, ये हमारे दही। तो फिर और रियांशी से बात करते हैं। रियांशी वाह आपके पास सब्जी दही और ये क्या है, अच्छा सॉस और ये क्या आलू की सब्जी। तो आप पहले सब्जी टेस्ट करके बताओ, सब्जी खा के दिखाओ कैसा बनाया है मम्मी ने। अच्छा पहले आप बजी को दोगे, अपनी दादी को दोगे, तो कोई बात नहीं आप यहाँ पे इसमें दे दो, इसमें दे दो यहाँ पे। ये देखिए ये संस्कार हमारे प्यारे सी रियांशी की, ये पहले अपनी दादी को देते, दादी को दो पहले, दादी को दो। अच्छा गर्म हो रखा, कोई बात नहीं ठंडा करके। तो गाइस हमारी प्यारी रियांशी ने अपनी दादी को इतना बड़ा आलू चढ़ा दिया है और चावल चढ़ा दिए। और देखिए बगल में हमारा नमो भी आ गया और नमो ने भी सब्जी लिया है, देखो बच्चों की फेवरेट सब्जी, कोई भी बच्चे इसको खाने से मना नहीं करते। रियांशी हमारी देखो खा रही है बड़े प्यार से। तो फिर आपको सब्जी कैसा लग रहा है रियांशी, कैसा लग रहा है हाथ से बताओ थोड़ा सा, कैसा लग रहा है? ये देखिए हाथ बनाया कैसा, ऐसा ऐसा लग रहा है, ऐसा ऐसा वाह ऐसा लग रहा है, वाह ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, आपको मज़ा आ रहा है। तो गाइस अब हो गया खाना खाने का टाइम, हम खाएंगे, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसका टेस्ट कैसा लगा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर, ये देखिए अपने भाई को दे रही है। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, ठीक है ओके बाय बाय टाटा।